अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटर रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ, यह है टोयोटा पासो। टोयोटा पासो पाकिस्तान में कल्टस का मुकाबला करने वाली गाड़ी है। सबसे पहले मैं इस गाड़ी की ना रिव्यू स्टार्ट करने से स्टेयरिंग डिटेल की बात कर लेता हूँ। 2014 मॉडल टोयोटा पासो, 18 की इम्पोर्ट, 70,000 जेन्युइन माइलेज, और जो डिमांडिंग प्राइस ऑफ दिस कार है वो 19,40,000 रुपये कर रहे हैं। तो जो भी शख्स खरीदे में इंडस्ट्री डी स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, या मजीद मालूमात के लिए मीरान मोटर्स मेन DHL लाहौर में शोरूम में आकर ज़रूर विज़िट करें। गाड़ी को फिज़िकल तौर पर देखें, तसल्ली करें। सबसे पहले कुछ सेलियंट फीचर्स की बात करता हूँ इस गाड़ी में। सबसे यूनिक चीज़ जो इस गाड़ी की वो है इस गाड़ी का पेंट। पेंट इज़ नॉट नॉर्मल। और ये गाड़ी तकरीबन अपने जेन्युइन पेंट में अभी तक, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा रेयर होता है फाइंड करना कि रेयर कलर की गाड़ियाँ, जो कलर मार्केट का नहीं होता, वो कलर गाड़ियाँ आपको मिलना, क्योंकि जिनके पास होती हैं उन्होंने चॉइस पे ख़रीदी होती हैं तो वो बेचते भी नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि इस गाड़ी की कलर बहुत अच्छा है और ये गाड़ी टोटल जेन्युइन है, नॉन एक्सीडेंटल। अब बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स की। फ्रंट पर आपको हैलोजन लाइट मिलती है, हैलोबी मसिस के साथ इंडिकेटर लाइट, नीचे फोगलम की सिर्फ प्लेसमेंट आपको मिलेगी। फोगलम में इसलिए लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि आप यहाँ फोगलम्स लगवा सकते हैं। पासो का लोगो, पासो में यही यूज़ करता था, लेकिन ये 2018 के बाद वाली पासो में टोयोटा ने प्रॉपर टोयोटा और डाईहाट्सो का लोगो यूज़ करना शुरू किया है। अब पासो में दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में लोग जिससे मिसकॉन्सेप्ट होते हैं। पहली चीज़ है टोयोटा पासो और दूसरी डाईहाट्सो बून। डाईहाट्सो बून सस्ती है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा पासो के। सिर्फ वजह क्या है, बैच का फ़र्क है। बैच इसलिए चेंज किया जाता है कि जिन लोगों की रसाई में दूसरी ना हो तो वो ये ले लें, इसलिए बैजिंग की जाती है। अगर बात कर ली जाए टायर की, तो टायर आपको न्यू टायर मिलते हैं व्हील कप्स के साथ। और आप इसकी साइड लुक देख लें गाड़ी की। सो व्यूअर्स, अगर रियर साइड से बात की जाए, आपको रियर वाइपर, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, पासो और मीरान मोटर्स पे खड़ी है तो उनका स्टिकर भी आपको मिलेगा। एक चीज़ ना मैं बताऊं, मैं बड़ी गाड़ी जगहों पे जाता हूं, रिव्यूज़ करता हूं, जहां पे ये पीछे शोरूम वाले अपने स्टिकर में रश नहीं लगाते ना, वो गाड़ियां लगती भी डिसेंट। अब ये देखें, दूर से देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है जी मीरान मोटर्स की है, बट ठीक है। लोगों ने एड्रेस लिखा होता है, चलो वो भी ठीक है, समझ आता है। फिर नंबर के नीचे फिर दो चार चीज़ें, मतलब वो गाड़ी की बैजिंग, ज़्यादा बैजिंग तो उसकी अपनी हो जाती है। जी इस गाड़ी की चाबी है लॉक अनलॉक के साथ। अगर बात कर ली जाए इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर कलर की, तो आपको डार्क ब्राउन विद क्रीम कलर का इंटीरियर आपको इस गाड़ी में मिलता है, जो कि मेरा ख्याल है काफ़ी खूबसूरत है। इधर आपके अगर बात कर ली जाए तो टेक्नोमीटर की लाइट के जैसे रिट्रेक्टेबल मिरर्स, और ये ऑफ करने के लिए मीटर की लाइट आप ऑफ भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग ना थोड़ा ज़्यादा साइकोलॉजी में डिस्टर्ब होते हैं रात को गाड़ी चलाते हुए, मीटर की लाइटें तेज़ हैं। एयरबैग इस गाड़ी में दो ही आते हैं। उसके साथ साथ अभी आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप भी चेक करा दूंगा। यहाँ पर देखें इतनी गाड़ी जनरल कंडीशन में है कि इसका अभी तक ये भी चेंज नहीं हुआ, वरना लोग जस्ती चेंज करवा लेते हैं ये कि यार ये बुरा लग रहा है, इधर LED होनी चाहिए, ब्लूटूथ नेविगेशन होना चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे ये गाड़ी पसंद है। ऐसी रिव्यू के लिए वैसे मैंने पासो बहुत का रिव्यू किया हुआ, लेकिन बस वो जो चीज़ आपको देख के क्लिक कर जाती है ना, उसका अपना ही मज़ा है। उसके साथ साथ AC कंट्रोल मैनुअल है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस गाड़ी के अंदर आता है, और एक और चीज़, गाड़ी गियर यहाँ से लगता है, ये लोगों को नहीं पता बात। अब की डाल के इसको स्टार्ट तो करते हैं, क्या सीन है। ये देखें 19.7 किलोमीटर की एवरेज ये गाड़ी मीटर पे शो कर रही है, जो अब ये ट्रिप कर आई है। तो उस लिहाज से देखें कि इंजन इसका इतना सही है, अच्छा इंजन है, कि ये गाड़ी इतनी एवरेज दे रही है, दैट इज़ गुड आई थिंक इन दिस कैटेगरी। यहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं, वो क्या क्या है वो भी देखते हैं। कंपार्टमेंट आपको प्रॉपर नहीं मिलता, 3 kg वेट रखने के लिए आपको टोइंग के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता। एक चीज़ जो इसमें सोफ़ा सीट वाले में आती थी, यहाँ पर ना दरमियान में फोम होती है सीट की कलर की, उससे भी आगे ना तीन लोग बैठ जाएँ, दो बड़े और एक बच्चा, तो उससे ज़रा आपके पास ना लेग रूम और हेड रूम दोनों ज़रा कंसिडरेबल हो जाता है। अगर बात करी जाए यहाँ वैनिटी मिरर आपको मिलेगा, रियर व्यू लाइट, उसके साथ साथ ये देखें ये वाली लाइटें भी मिलती हैं,
ठीक है उस लिहाज से। तो वीर जब रियर साइड पे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको बेडरूम का क्या सीन है। ये देखें, अब मैं आपको ना गाड़ी की साफ कितनी है, कितने ओरिजिनल पेंट में, यहाँ से दिखाता हूँ। ये रियर कलर है, ये टिप भी है, आप यहाँ से देखा करें, ये जो डोर ओपनिंग क्लोजिंग का कुंडा है ना, यहाँ से अंदाज़ा लगाया करें कि पेंट आप चेक करें कि रिफ्लेक्शन दे रहा है। मैं लाइट इसलिए जला ली है मोबाइल की। ये देखें, चाइल्ड सेफ्टी तो आपको पता है आज का स्टैंडर्ड ही हो गया। पीछे की बात कर ली जाए तो पीछे मेरे पास लेग रूम कंसिडरेबल और हेड रूम पासो का, कल्टस का, वैगन आर का अच्छा है। फाइनल इस वर्डिंग इस गाड़ी के बारे में मेरा ये है कि अच्छी गाड़ी है, लेकिन रेयर कलर की ना एक बात है कि आपको अगर लग लगा जाए ना तो कलर मैच करने के लिए 4 से 5 दिन लग जाते हैं। वाइट ब्लैक में ये चीज़ नहीं है, लेकिन गाड़ी नो डाउट एक्स्ट्रा क्लीन है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टोयोटा पासो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।